हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसमें हम राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के संबंध में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जिसकी मान्यता यह है कि पॉलिटिकल साइंस को एक प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत विषय सामग्री की दृष्टि से नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि इसमें प्राकृतिक विज्ञान की यानी नेचुरल साइंसेस की झलक देखना भी एक कठिन कार्य है। विद्वान ये भी मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धतियों का पूर्णतः पालन इस विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है कि रॉबर्ट डहल ने यहाँ तक कह दिया कि राजनीति का अध्ययन ना तो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक हो सकता है और ना ही इसे होना चाहिए। राजनीतिक अध्ययन में आवश्यक वस्तुपरक अध्ययन का अभाव है। राजनीति विज्ञान केवल विज्ञान कह देने मात्र से विज्ञान नहीं हो जाता। इसे अपनी वैज्ञानिकता को अपनी ठोस उपलब्धियों के आधार पर प्रमाणित करना होगा, तभी इसे विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन विद्वान ये भी मानते हैं कि वास्तव में यह अपने आप में एक समस्या भी है। स्टूडेंट्स, इसका एक कारण ये भी है कि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वैज्ञानिक स्वरूप को अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से भी समझना होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि वैज्ञानिक स्वरूप की अनिश्चितता उसकी अध्ययन पद्धतियों में भी कहीं ना कहीं दिखलाई देती है। वैज्ञानिकता का प्रभाव यद्यपि इसमें यत्र तत्र है, लेकिन विज्ञान होने के फलस्वरूप उसकी अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिक ढंग की हों तथा उनका अध्ययन एवं प्रयोग उसी शुद्धता के साथ किया जाए, विद्वानों ने ये माना है कि ऐसा संभव नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने राजनीति शास्त्र की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों को विवेचित किया है, इनका उल्लेख किया है, तथा आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में जो प्रमुख पद्धतियां हैं उनमें प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंटल मैथड, ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मैथड, तुलनात्मक पद्धति कॉम्परेटिव मैथड, और पर्यवेक्षण पद्धति ऑब्जर्वेशनल मेथड, दार्शनिक पद्धति फिलोसफिकल मेथड, व्यवहारवादी पद्धति बिहेवियरल मेथड तथा उत्तर व्यवहारवादी पद्धति पोस्ट बिहेवियरल मेथड इत्यादि प्रमुख हैं। इन अध्ययन पद्धतियों का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस है, और इनके आधार पर देखा जाता है कि राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो पॉलिटिकल साइंस को समझने में कितनी कारगर हैं, सार्थक हैं। इनमें यदि हम प्रयोगात्मक पद्धति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो प्रयोगात्मक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक स्पेसिफिक प्लेस है प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में, या साधारणतः प्रयोगात्मक पद्धति को ही अपनाया जाता है। ये प्रयोगात्मक पद्धति क्या है? हमें जिस वस्तु की सत्यता की जांच करनी होती है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। यद्यपि ये बात और है कि सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, फिर भी सभी विधियाँ नीतियाँ पद्धतियाँ आदि प्रयोग के आवश्यक व्रत के अंतर्गत ही हैं। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में प्रयोगात्मक पद्धति का जो प्रयोग है वो एक सीमा के अंदर ही होता है। राजनीति शास्त्र के प्रयोग समाज रूपी प्रयोगशाला में किए जाते हैं, और सरकार द्वारा जो कानून पारित कर जन समुदाय पर लागू किए जाते हैं वे एक प्रकार का प्रयोग ही होते हैं। हाँ, ये बात और है कि कभी ये प्रयोग सफल होते हैं और कभी असफल, लेकिन असफल प्रयोगों के आधार पर पुनः नए प्रयोग किए जाते हैं, नए प्रयोग लाए जाते हैं। यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस की प्रयोगात्मक पद्धति की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका प्रयोग इसमें अवश्य किया जाता है। किस में किया जाता है? पॉलिटिकल साइंस में नए नए कानून बनाए जाते हैं, देखा जाता है कि वे सफल हो रहे हैं या नहीं, फिर उनमें पुनः नए सुधार किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न प्रयोग समाज के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं। चूँकि प्रयोग मानव व्यवहार पर आधारित होते हैं, इनका प्रयोग मानव के ऊपर समाज के ऊपर या राज्य के अंतर्गत किया जाता है, और ये सभी चीज़ें नित्य परिवर्तनशील हैं। मानव व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, मानव व्यवहार की परिस्थितियाँ निरंतर चेंज होती रहती हैं। यही कारण है कि इन प्रयोगों के निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसकी कुछ निश्चित सीमाएं अवश्य हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक प्लेस है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमें ये पता चला कि व्हाट आर द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड अबाउट दिस वी हैव स्टडीड, तथा प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग